नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देखें द क्वेश्चन आर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है रिसेंटली, और कुछ लोगों को अब रियलाइज होने लग गया कि हाँ लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती है, और एंटी कन्वर्जन बिल की कितनी इंपॉर्टेंस है। वही मजिंदर सिंह सिरसा, आप पहले हम लोग रिसेंट इशू डिस्कस करेंगे, फिर उसको लिंक करेंगे कि लव जिहाद का सोर्स क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, किस डूज एंड डोंट्स की बुक के कौन से आयत से उठाया गया ये इंस्पिरेशन है, ये वो कोट है जिसे ये मुसलमान बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, शुरुआत का इशू बताने के बाद मैं उस चीज़ को रखूंगा, पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों की आंखें खुलें। जैसे सिरसा साहब की आंख बहुत देर बाद खुली है तो आप लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में दो सिख युवतियों को किडनैप करके गन पॉइंट पे निकाह कराया गया 60 साल के व्यक्ति से। एक लड़की शायद मिल गई है, एक नहीं मिली अभी तक। सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर चली गई, डेलीगेशन ले गई, मनोज सिन्हा साहब से, वहाँ के एलजी से मिलाई। उन्होंने आश्वासन दे दिया, आप देख सकते हैं कि हम प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत करिए, हम अश्योर करते हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन ये जो अकाली दल के लोग हैं, ये जो सिरसा साहब हैं, सुखबीर सिंह बादल साहब हैं, इन मतलब बादल साहब का मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। शॉक टू लर्न दैट आवर सिख डॉटर मनमीत कौर वॉज किडनैप्ड एंड फोर्सिबली मैरिड टू एन एल्डरली मैन ऑफ अ डिफरेंट कम्युनिटी इन श्रीनगर। अभी भी ये डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ श्रीनगर, ये शब्द मुसलमान मतलब कन्वर्ट हुई है तो जाहिर सी बात है आपको पता चल रहा है। जिस व्यक्ति से शादी की है जाहिर सी बात है आपको पता चल रहा है, रीज़न क्या है आपको पता चल रहा है, फोर्स क्यों किया गया उसका कारण आपको पता है। तो ये डिफरेंट कम्युनिटी बोल के आप किसको अभी भी क्या मतलब कौन सी अपीजमेंट बाकी रह गई, ठीक है। तो भाई ये इतना सब कुछ हुआ, डेलीगेशन गया, मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया ठीक होगा वगैरह वगैरह चीज़ें हुई। आपको बताना चाहूँगा, ये वही सिरसा साहब हैं जब ये बिल बनने जा रहा था यूपी में और बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश में एंटी कन्वर्जन बिल, तो ये वही सिरसा साहब है जो कहते थे आपका धर्म जो है वो इतना कमज़ोर कैसे है जो आसानी से कन्वर्ट हो जा रहा आदमी, आपके धर्म में प्रॉब्लम है, ठीक है। इस सिचुएशन में अब वो चाहते हैं कि नहीं बिल आ जाए। उन्होंने साफ साफ क्लियर शब्दों में बोला, जो यूपी में और एमपी में आया वो बिल यहाँ भी आ जाए, लागू हो जाए। सुनिए वो वीडियो सुनिए। ये जो बार बार बात कही जाती है कि इस धर्म परिवर्तन के नाम पर ये मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। जो धर्म के संचालन करने वाले लोग हैं उनमें कमियां हैं, उनको निकालो। और अगर किसी का धर्म इतना कमजोर है कि उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है तो भाई उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, ये तो उसको देखना होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी धर्म को पुलिस के सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। शोषित वंचित आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां कल कल में दो बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, दो बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनको उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया, उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है, ये उन लोगों ये लव जहाद है। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी चार बच्चियां पिछले एक महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस। खैर ये तो इशू था, मैं भी चाहता हूँ कि इस इशू को बिल्कुल यूनिटी के साथ, यूनिटी की डिमांड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इससे आईना में ये दिखाना चाहता हूँ और उनकी हिपोक्रेसी नजर आनी बिल्कुल जरूरी। जो वीडियो देख रहा है शायद सबकी हिपोक्रेसी नजर आनी चाहिए, जो भी देख रहा है, आप भी जो देख रहे हैं आपको भी समझ में आना चाहिए। आप खुद से जवाब मांगिए कि जब कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू बेटियों का, हिंदू महिलाओं का रेप हो रहा था, बुचरिंग हो रही थी, तो कितनी बड़ी तादाद में कोई संस्था उनके लिए गई थी, चाहे लड़ने गई हो चाहे
पॉलिटिकली डिस्कोर्स के लिए गई हो, किस लिए भी गई हो, कितने लोग बचाव में गए थे, आप मुझे जवाब दीजिए कमेंट में। कितने लोग बंगाल में गए, जो बुचरी हुई वहाँ पे, जो महिलाओं का रेप हो रहा, जितनी ऑर्गेनाइज़र मैंने जिसके लाइव किया था, वो लोग जो गए थे, उन्होंने जो बंगाली महिलाओं की वीडियो बनाई कि उन्होंने कैसे कैसे व्यथा व्यक्त की, बाप के कनपट्टी पे बंदूक रख के सात सात लोगों ने उसकी बेटी के साथ आंखों के सामने रेप किया, इस सब का प्रतिकार करने, इस सब के विरोध में कौन सा संगठन बड़ी आबादी में वहाँ के गवर्नर, वहाँ के CM, वहाँ की जनता, वहाँ के लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगने गया और इसके खिलाफ कोई एक्शन हो इसकी मांग करने गया। सेम चीज़ साउथ में हो रही है, सेम चीज़ भारत के हर हिस्से में ऐसे ऐसे नंबर्स में हो रही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो हम लोग लव जिहाद की बात करें, लव जिहाद की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं आप क्या है। सबसे पहली बात तो ये, उसका मैं बताऊँगा, सोर्स बताऊँगा, आप रुके रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप स्किप कर देंगे, बहुत क्रूशल चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। लव जिहाद की एक इंटरेस्टिंग बात यह है, और ज़्यादातर टाइम नोटिस की जाती है, कि जो पक्ष हिंदू है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उसका मरना तय है, कई केसेस में, मैक्सिमम केसेस में मरना तय है। ठीक, दिल्ली में एक राहुल का मामला हुआ था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, गर्लफ्रेंड के सामने उस बच्चे को मार दिया गया, परिवार ने मिलकर मार दिया, वो शायद साल भर दो साल पुराना मुद्दा हो गया। 24 जून 2021 कर्नाटका, मुस्लिम फैमिली किल्स देयर ओन डॉटर एंड हर हिंदू लवर इन फ्रंट ऑफ द बॉयज मदर, एक माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया गया। अब वो तो छोड़िए, अपनी खुद की बेटी को मार दिया गया, इस्लाम सर्वोपरि। द फादर ऑफ द गर्ल एंड अदर फैमिली मेंबर रश टू द फील्ड एंड स्टैब्ड देम आफ्टर टाइंग देम विद द रोप। पुलिस का कहना है कि उन लोगों को रस्सी से बांध के फील्ड में, रस्सी से बांध के चक्कुओं से मारा गया। अपनी बेटी की हत्या करते वक्त जिसको शर्म नहीं आई, जिसकी ममता नहीं डोली, वो दूसरे को क्या सोचेगा। और हम ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, और हमारे जो लीडर्स, जो सिख लीडर्स, जो सो कॉल्ड सिख लीडर्स जो गए हैं वहाँ पे बात कर रहे हैं अपने सिख बच्चियों के बारे में, वो अभी भी डिप्लोमेटिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं कि अदर कम्युनिटी, अभी भी किसी के भेजे में कोई बात खुशी नहीं। और जानकारी के लिए बता दूं, हर बार ये लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जय भीम जय मीम, इन्हें इस प्रोपेगेंडा तभी करना जब कोई चुनाव आता है, उसके अलावा ये सब भूल जाते हैं। तो जो जय मीम और जय भीम वाले हैं, उसमें से जो भीम वाले हैं वो ये समझ जाएं कि मीम वाले आपके दोस्त नहीं हैं साहब, ये बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। भाईचारा टर्म पता है आपको, पॉलिटिक्स में उनका फ़ायदा हो रहा है तो आप भाई हैं, उसके अलावा हर सिचुएशन में सिर्फ आप चारा हैं। इसके दो उदाहरण मैं इसी वीडियो में दूंगा। पहला, इस केस में भी ये लड़का दलित था, कर्नाटक वाले केस में, ठीक है, दिख गया होगा प्रूफ आपको। दूसरा केस, आपने बिहार पूर्णिया का केस देखा, सब दलित थे। बंगाल में भी कई केस दलित के थे, नूरपुर दलितों का केस था, याद करिए अभी हाल ही में कांग्रेस के किसी भांजे ने, वो भी दलित था, जिसने मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दिया था, बोला नहीं रिप्लाई किया था। और अभी रिसेंट का केस, मौलाना हाफिज फैजान रजा हु डिक्लेयर्ड 1 crore रिवॉर्ड फॉर बीहेडिंग हिंदू एक्टिविस्ट स्वामी दर्शन भारती अरेस्टेड बाय UP पुलिस। ठीक, सिखों से उलझा जा रहा है अभी, दलितों का ये हमेशा इस्तेमाल ही करते हैं। और एक चीज़ और दिखाऊंगा इंसिडेंट, और हिंदुओं को तो आए दिन कत्लेआम का। अब एक रिसेंट, बस मैं रिसेंट इंसिडेंट दिखा के आपकी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ, कि आपको कभी ये ना लगे कि कुछ लोग हैं जो कभी कभी कुछ हरकतें करते हैं। और जो हाल ही में अभी धर्मांतरण मामला चल रहा था UP में, तो ATS को मिली 33 लड़कियों की लिस्ट, मौलाना उमर गौतम बोला इस्लाम कबूल कराने की थी तैयारी। उमर गौतम की तैयारी इस्लाम कबूल करवाने की थी, ये रिपोर्ट भी पुरानी नहीं, 26 जून की है, और आज मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 28 तारीख है। अब देखिए कि दोनों ने बयान क्या दिया है। दोनों ने बताया है कि ग्रामीण इलाकों की युवतियाँ आसान शिकार होती हैं, उनको ब्रेन वॉश करने में दिक्कत नहीं होती। 12 से ज़्यादा युवतियाँ पढ़ाई में रही थी मेधावी, मतलब MBA, BEd, BSc, MSc करने वाली लड़कियां, मतलब ऐसी ऐसी ब्रिलियंट लड़कियों को उठा के प्लान था कि इनके साथ ये एक्ट करना है, जैसे मतलब धर्मांतरण करना है। और इसके पीछे का आपको पता है कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है, धर्मांतरण हो गया, डेमोग्राफी कैसे, एक हिंदू कम हो गई, वो जो महिला है वो जो बच्चे पैदा करेगी, डेट से बात है, 3, 4, 5, 6, 10 पैदा करवाते हैं वो, तो जितने पैदा होंगे बच्चे मुसलमान, तो एक तो मुसलमान बनी गई और भी मुसलमान बन गए, तो डेमोग्राफी के चेंज होने की पूरी तैयारी ये लोग कर लेते हैं ऐसे।
दूसरा अपने अंदर की खुन्नस निकालना, कितने 100 सालों से हमारा राज चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया, सत्ता छिन गई, हम ये करेंगे, फ्रस्ट्रेशन। ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है ये गलत हो, सकता है सही हो सकता है किसी के अंदर, हो सकता है किसी के अंदर ना, सिचुएशन पर वैरी करता है। तो सिख भाइयों, जब आप ये कर रहे थे तो आपको ध्यान देना चाहिए था कि हम किस सपोले को दूध पिला रहे हैं। अब आ जाते हैं उस सोर्स पे, इस पूरी लव जिहाद वाले कॉन्सेप्ट का सोर्स क्या है। माना ये टर्म किसी हाई कोर्ट के किसी जज ने बोल दिया होगा, माना ये टर्म पॉलिटिकली बहुत यूज़ हो रहा है, अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो इंस्पिरेशन तो कहीं से मिली होगी। और कोई भी मुसलमान ये देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो, तो कुछ मेरी बातें ये लोग अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। कुरान के डूज एंड डोंट्स को बिल्कुल फॉलो करते हैं, इससे 1% भी इधर उधर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो ये मुनाफिक हो जाएंगे। ठीक, मोहम्मद साहब की जीवनी को ये अपने में उतारना चाहते हैं, जो उन्होंने किया ज़िंदगी भर में, जो कुरान में लिखा है सब चीज़ें, क्योंकि जहाँ जहाँ गया आयतें उतर दी गई वगैरह वगैरह, तो जो भी लिखा है 100% फॉलो करना ही करना है। तीसरी चीज़, कुरान में जो लिखा है वो गलत नहीं, सत्य है, उनके हिसाब से तो सत्य है, बदला नहीं जा सकता। तो मतलब सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 आपको दिख रहा होगा, पॉज करके जूम करके पढ़ लीजिए और रेड से मार्क भी कर दिया। एंड डू नॉट मैरी अल मुशरिकत ब्रैकेट आइडोलेटर्स टिल दे बिलीव और ब्रैकेट वर्शिप अल्लाह अलोन। बिलीव मतलब जब तक ईमान कोई ना ले आए, तो उस मूर्ति पूजक से शादी मत करो जब तक वो सिर्फ अल्लाह पे ईमान ना लाए। एंड इन डीड अ स्लेव वुमेन हु बिलीव्स इज बेटर देन फ्री मुशरिकत। किसी दास, कोई गुलाम जो अल्लाह में मानती हो, वो तब भी कई गुना ज़्यादा अच्छी है, ना कि कोई आज़ाद महिला हो जो मूर्ति पूजक हो। इवन दो शी प्लीजेज यू, चाहे जितनी अच्छी हो तुम्हें, कितनी भी अच्छी लग रही हो, मत करो शादी। एंड गिव नॉट योर डॉटर इन मैरिज टू अल मुशरिकिन टिल दे बिलीव इन अल्लाह अलोन। मतलब अपनी बेटी भी मत दो, सेम केस, ठीक है। एंड वेयरली अ बिलीविंग स्लेव इज़ बेटर देन अ फ्री मुशरिक इवन दो ही प्लीजेज यू। ठीक है, ही और शी की बातें होगी। तो इसका क्या मतलब है, पहले तो डायरेक्ट कर दिया कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा नहीं करना है, जब तक वो बिलीव ना कर लें तब तक मत करो, ठीक है। और जैसे हम कहा है कि टिल दे बिलीव, मतलब आप उन्हें कन्वर्ट करिए, जब तक वो बिलीव ना करें शादी मत करें। तो करना है तो बिलीव करवाना पड़ेगा ना, यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी लव कर रहे हो तो कन्वर्ट करिए, इस्लाम में आएंगे तभी शादी होगी, और नहीं आते हैं तो बुलवाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा जगाने का काम करें इस वीडियो को शेयर करके। वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। किसी भी तरह का सपोर्ट करना हो, कॉन्ट्रीब्यूशन करना हो, डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके दिए हुए हैं। आपके सामने कई बार ये वाला इमेज भी आया होगा सामने कि क्या क्या करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, UPI जब चाहे तब आप कर सकते हैं, और बैंक डिटेल भी दी हुई है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।